आज मंत्री बने बैठे हैं, उसमें से एक साधु ने जिनको मंत्री बनाया अपने आप को गोली मार ली, और शिवराज सिंह चौहान को उसकी आत्मा जिसने आत्महत्या की, जिस आध्यात्मिक आदमी ने, उस आत्मा इसको कोसती होगी कि इतना झूठा आदमी जिसने मेरा अध्यात्म को खरीद लिया, मेरे पावन तप को खरीद लिया, भगवान की आराधना करने वाले उस व्यक्ति की तपस्या को खरीद लिया, कि आपको और हमें क्या छोड़ेगा। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एकात्म की यात्रा, शिव यात्रा, नर्मदा यात्रा और ये जन आशीर्वाद यात्रा, इसमें 10,000 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का शिवराज सिंह खर्च करते हैं, पर इसका जिक्र वो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं करते। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बातें बहुत है करने की, कभी किसानों की बात करते हैं, कभी किसानों की योजनाओं की बात करते हैं, किसानों के हितों में 0% पर ब्याज देने की बात करते हैं, और 1,00,000 ले जाओ और 90,000। साथियों, अगर ये सब बातें सही होती तो पिछले 5 साल में 10,000 किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? ऊपर जाम हो गया तो आपके गोलियों से क्यों भूल गया? जरा इसका भी हिसाब देते जाओ। बातें बहुत है, लाडली लक्ष्मी से लेकर जन सुरक्षा तक, माता और बहनों, बहनों के भांजे और मामा के कहानी चल चाहिए, पर ये नहीं बताते वो किसे मैंने मेरी भांजियों के पैदा होने से उनकी मृत्यु तक का प्रबंध कर रखा है, ये वो शिवराज है। वो कहते हैं मैंने जन्म के समय इतने पैसे की व्यवस्था की, जब 6 महीने की हो जाएगी तो इतने पैसे की व्यवस्था की, जब 21 साल की हो जाएगी तो खाते में इतनी व्यवस्था कर दूंगा, जब मृत्यु होगी तो ये कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप इतना बता दो कि मेरी बहनों के लिए आपने सब किया, फिर भी 5,00,000 आदेश दिया, आपको नोटिस किया कि हर 6 महीने 6 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है, इसके लिए दोषी कौन है मुख्यमंत्री जी? जरा इसका भी हिसाब दे दो। ये बात मार्को जी ने विधान सुरक्षा है, उसके बावजूद आप हमें कांग्रेसी होने के नाते आप हम पे आरोप लगाते हो। मार्को जी ने कहा कि इससे आगे मुख्यमंत्री ने मार्को जी को कहा कि आपका जब राज था, कांग्रेस की सरकार थी, तब बलात्कार नहीं होते थे, तो मार्को जी ने कहा होते थे मुख्यमंत्री जी, पर 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार अब कांग्रेस के राज में नहीं होता था, 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार कांग्रेस के राज में नहीं होता था, 15 साल की बेटी को 15 जने नोचते हैं आपके राज में मुख्यमंत्री जी, और ये कांग्रेस का विधायक ही नहीं किया। ये बातें बहुत है, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है जो एक गरीब बाप आदिवासी अपने बेटे को पेट काट काट के पढ़ाता है, कहीं रायपुर भेजता है, भोपाल भेजता है, इंदौर भेजता है, जब बच्चा पढ़ लिख छोटी मोटी नौकरी लगेगी, जब उसको नौकरी नहीं लगती 1 साल 2 साल 5 साल, तो बाप व्यथित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, और आत्महत्या करते हुए फांसी के फंदे पे झूल जाता है। जब बाप झूल जाता है, इस विरोध में बेरोजगार हो जाता है, और ये मुख्यमंत्री आरक्षण, 7,000 बच्चे हमारे परिवार के हर वर्ष आत्महत्या बेरोजगारी के कारण करते हैं, मुख्यमंत्री जी आप इसका जवाब क्यों नहीं देते आपके सभाओं में? ये सवाल, ये जन जागरण करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। बातें बहुत है, मैंने नर्मदा घोटाला की बात की, इस मुख्यमंत्री के रहते हुए व्यापक घोटाला, महा घोटाला हुआ, जिसने कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश के माथे को विश्व में, इनके रहते हुए मध्यान्ह भोजन घोटाला हुआ, प्रतिनियुक्ति घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला हुआ, आदिवासी जमीनों का घोटाला हुआ, सीएस का घोटाला हुआ, इनके रहते बिजली खरीदी में घोटाला हुआ, ट्रेंडिंग में घोटाला हुआ, और निवेश के नाम पर इन्वेस्टर मीट का घोटाला हुआ। साथियों, इनके कांड भी कोई कम नहीं है, इन्होंने डंपर कांड किया, उद्योगों के नाम पर विदेश यात्राओं के कांड किए, पीएससी मोकद भर्ती कांड किया, भावांतर कांड किया, प्याज खरीदी कांड किया, एवं में छोटे छोटे बच्चों को